नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद के अंतिम विदाई समारोह को बताया प्रेरणादायक, कहा राष्ट्र प्रगति के जुनून को लेकर देश सेवा। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी को मिला सर्वोच्च पद। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने 1950 से 2017 के दौरान रहे भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों को किया विमोचन। दत्तात्रेय होसबोले ने सुरक्षा बलों को सराहा, कहा पाकिस्तान से आजादी के लिए गुलाम कश्मीर के लोगों को भारत से आस। पाकिस्तान को पीछे छोड़ भारत ने रचा इतिहास, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीती लगातार 12वीं वनडे सीरीज। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने उन्हें शपथ दिलाया। बता दें मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति और सबसे यंगेस्ट महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश की महिलाओं को बहुत प्रेरणा मिली है, जो आम महिलाएं हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू मेहनत करके और अपने मेहनत के दम पर यहाँ तक आई हैं। वो कोई पैराशूटर नेता नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं आती हैं, वो एक नॉर्मल महिला है जिन्होंने शिक्षिका के रूप में पहले अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद से वो तमाम पदों पर भी काम किया, धीरे धीरे छोटे छोटे स्तर से लेकर वो आगे बढ़ी हैं और आज वो देश की महिला राष्ट्रपति, 15वीं महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुकी है। गौरव का बात है ये पूरे देश के लिए, कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रपति बनने से जो आदिवासी हैं उनमें भी खासा खुशी का लहर है। उन्हें इस बात पे अब यकीन है कि देश में सभी को इक्वालिटी और इक्वल हिस्सा है जो वो मिलता है। उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया तो उनके साथ वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के साथ साथ सीजीआई ने उन्हें शपथ दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश से वहां मौजूद रहे। हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो भी मौजूद रही, साथ साथ पूरा कैबिनेट वहाँ मौजूद रहा। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी के साथ साथ तमाम, जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सोनिया गांधी भी इनके शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुई। आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हटकर नए रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, देश की आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी समाज से इतने बड़े पद पर बैठा है, देश में क्या कुछ माहौल बना है और आदिवासी समाज में क्या कुछ खुशी की लहर है? जी बिल्कुल, पिछला आपको बता दें कि महामहिम की जो रेस थी उसको जीतकर द्रौपदी मुर्मू आज 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। साथ ही साथ आज की दिन शपथ लेने वाली वो 10वीं राष्ट्रपति बनी है।
वहीं अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज से आने वाली, आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। वहीं आपको बताएं दूसरा कि आपके सवाल पे, तो आज देश भर की जो जाति जनजाति जो आदिवासी समाज है और साथ ही साथ खासकर महिला, वो आज के लिए बेहद खुशी का दिन है। और आप देख सकती है कि तमाम जगहों पर जो जहां से जिस पृष्ठभूमि से आज महामहिम निकल के आती है, उड़ीसा से लेकर और जो भी जनजातियों का प्रदेश है वहां विशेषकर कुछ तकनीक भी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी समाज के साथ साथ हर महिला, जैसा कि खुद राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण में कहा कि मैं राष्ट्रपति बनी, उसके बाद ये उम्मीद है कि देश का हर गरीब तबका सपना देख सकता है। कोई गरीब महिला संघर्ष करके इतने बड़े पद पर पहुंच सकती है, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत है ये सभी महिलाओं के लिए। पूरे आदिवासी समाज में खुशी का लहर है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में सावन का दूसरा सोमवार पर सुबह से ही दंडेश्वर नाथ मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, दुखारण धाम मंदिर, मुकुटनाथ धाम और तपेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें तपेश्वर नाथ मंदिर में बने शिवलिंग की विशेष मान्यता है। ये मंदिर अमेठी का बहुत ही प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है। यहाँ पर आए सावन में आए दिन बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपना मनोकामना बताते हैं, और सावन के हर सोमवार बहुत भीड़ होती है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन बहुत ही उच्च है, प्रशासन प्रदेश से मुस्तैद है, कहीं कोई भी उपद्रवी कोई कार्य ना कर पाए, इसलिए शासन बहुत सख्त है यहाँ पर। कृष्ण दत्त त्रिपाठी, मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। हमारे ही द्वारा ये मेला का उद्घाटन किया गया, शुरू कराया गया। सन 1969 में पहली बार आज शंकर जी की निकाला, तब से मेला लगातार बढ़ता चला रहा है। अभी तक तो सावन में कल देखा जाए तो लगभग 9-10 हज़ार कांवरियों की भीड़ थी। सबके भोजन व्यवस्था, चाय पानी की सब व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा था और शांतिपूर्वक सब ने अपना अपना जल अर्पित किया और अभी भी जल। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हाथरस जिले में कांवड़ियों की सड़क दुर्घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर भारी कॉमर्शियल वाहनों की लंबी कतारें लगी है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर हूँ और यहीं से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है। अगर बात की जाए श्रावण मास की, तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में प्रशासन द्वारा बड़े कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश के लिए 90 पर रोक दिया गया है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों पर बड़े कमर्शियल वाहनों की अच्छी खासी कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हाथरस की बात की जाए तो हाथरस जिले में कांवड़ियों के साथ जो सड़क दुर्घटना हुई है, ऐसे में बड़े कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश के लिए 90 पर रोक दिया गया है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। सावन का दूसरा सोमवार आज है, आज भी शिवभक्त मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं और शिवालयों में शिवभक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रदेश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अलग अलग जिलों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रावस्ती, कानपुर और वाराणसी में किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सावन का दूसरा सोमवार है और श्रद्धालु बड़ी ही भक्ति प्रेम के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव का विशेष पूजा पाठ किया जाता है, इनकी विशेष
जो एक प्रेयर कह ले, एक विशेष महिमा कह ले, वो होती है। और श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ शिव मंदिरों पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रावस्ती कानपुर और वाराणसी से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना जुनून है, कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा है। पूरा सोमवार चालू हो गया है और कानपुर में जो परमन मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे श्रद्धालुओं में जो भीड़ है वो लगातार जारी है। और अपने कैमरा सागर से कहना चाहेंगे कि पूरा जो अपना भीड़ भाड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं में, देखे किस तरीके से श्रद्धालु जो है पूरी तरीके से जो है भीड़ भाड़ यहाँ लगा हुआ है। लोगों का जयकारा पूरी तरीके से जारी है और लोगों की आस्था और जो श्रद्धा बनी हुई है वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो परमठ से जो लोगों की श्रद्धालुओं की आस्था लगी है। और देखिए किस तरीके से महिलाओं जो पुरुष हैं पूरी तरीके से भीड़ में जो है लाइन में लगे हुए हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भगवान जो आज सोमवार बना हुआ है, सावन का सोमवार है, उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके जो है प्रदोष जो है माना जाता है और प्रदोष का व्रत जो है वो पूरी महिलाएं रखती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद कानपुर नगर निगम को जो देखा जाए बहुत लापरवाही नजर आई, क्योंकि सावन और सोमवार के बाद भी जो है परमन मंदिर का जो कूड़ा है पूरी तरीके से नहीं उठा है। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो कानपुर हिंसा कांड के बाद देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है सारे शिव मंदिरों का जो है व्यवस्था जो है पूरी तरीके से समझ गई है। कैमरामैन सागर साथ उपेंद्र साना, कानपुर। वही वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम पर सावन की दूसरे सोमवार को भी बाबा के दर्शन करने के लिए शिव भक्तों की एक लंबी कतार देखने को मिली। लोग बाबा का दर्शन पाने के लिए रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। पूरा काशी शिवमय हो चुका है। पहले सोमवार से लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, इस बार उससे भी अधिक लोगों के दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। हर तरफ हर हर महादेव के नारे से काशी गूंज रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आपको बता दें कि पहले सोमवार के बनस्बत इस बार लोगों के अंदर ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि देर रात से ही बारिश यहाँ हो रही है, अभी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद दर्शक जो भी दर्शनार्थी हैं उनके अंदर बहुत ही हर्ष उल्लास है। आपको कैमरे में साफ तौर पर दिखाएंगे तस्वीरों में कि देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और काफ़ी देर रात से ही लोग आ करके यहाँ पर लाइन लगा करके दर्शन करने के लिए हैं। पिछले साल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। जी हाँ, रिंकू मिश्रा। कहाँ से आई हैं? मैं गाजीपुर से आई हूँ। गाजीपुर से जी। कब आई हैं? हम लोग 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं। 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं। से लाइन में खड़ी हैं। और क्या मनोकामना है आपकी? बस भगवान हम सबको खुशी दे, सुखी दे और भारत हमारे देश में बहुत अच्छी तरह। और भी हम लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम? यहाँ का रमेश गुप्ता, गोरखपुर जिला। गुप्ता जी गोरखपुर से आए हुए हैं। कब आए हैं? हम 4 बजे भोर में आए हैं। 4 बजे यहाँ की सारी व्यवस्था गड़बड़ है, प्रशासन कोई भी शासन नहीं कर रही है, सब मर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की बहुत गलती है। यहाँ पर प्रशासन की क्या गलती है? ना कोई देख रहा है, ना पाद रहा है, सब मर रहे हैं बेचारे, सब पीछे कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे दर्शन अच्छे से हुआ? दर्शन हम लोग तो हो गया, चोरी से गए हैं मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर बहुत गलत हो रहा है। दर्शन करने लोग आए हुए हैं और काफ़ी हर्षोल्लास है उनके अंदर, दर्शन कर रहे हैं लोग। मंदिर में दर्शन कायदे से कराया जा रहा है ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले सोमवार की बात की जाए तो लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था और इस बार उससे भी ज़्यादा करने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। जनपद अमेठी कोतवाली में आगामी त्यौहार 12 वफात के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के तमाम संप्रभात लोग शामिल हुए। कोरोना काल के बाद त्यौहार इस बार खुलकर मनाया जाएगा। बैठक में उपजिलाधिकारी प्रीति तिवारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव और पुलिस लाइन के CEO मयंक त्रिवेदी भी मौजूद रहे। जो है मार्च किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? क्या पीस कमेटी की मीटिंग अभी की गई है, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए, क्योंकि 2 साल बाद इसको व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। तो इसमें जो शासन के निर्देश हैं उस निर्देशों को पालन करने के लिए और हर जगह शांति व्यवस्था रहे, इस संबंध में कोई समस्या हो तो पहले ही अवगत कराने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। हालांकि 1-2 जगह समस्या आई है, उसको तो देखा गया है जाके और समस्या का निस्तारण कर लिया जाएगा।
डायबिटीज से मुसाफिर खाना बस स्टॉप पर जिला संयोजक भाजपा आईटी विभाग अंशु तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुतला दहन किया। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा व जयराम रमेश ने स्मृति जी के 18 वर्ष की बेटी के ऊपर अवैध रूप से वार चलाने का आरोप लगाया था। इसीलिए अंशु तिवारी ने प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान जिला मंत्री प्रभात शुक्ला, जिला महामंत्री युवा मोर्चा जीत बहादुर सिंह के साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर में कई साल पुरानी तीन पीर बाबाओं की मजार पर दो मुस्लिम सगे भाइयों ने निशाना बनाते हुए माहौल खराब करने के मकसद से हिंदू धर्म की पोशाक पहनकर मजार में जमकर तोड़फोड़ की और इतना ही नहीं मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादरों को आग के हवाले कर दिया। डीएम एसपी की सूझबूझ से काम लेते हुए दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आज शाम 4:30 बजे करीब सूचना थाना शेरपुर में प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहां से पुलिस बल रवाना हुआ। वहां जैसे ही पुलिस बल पहुंचा, वहां पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि दो भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई, घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है मजार पर चढ़ाई जाने वाली। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पीआरबी, गांव वाले और थाना अध्यक्ष शेरकोट ने घेर घार कर इन्हें गिरफ्तार किया। वहां पर मोहम्मद कमाल पकड़ा गया और उसके बाद जानकारी ये भी हुई कि सवेरे ये जब अपने घर से निकले थे तो वो सूचना बाद में मिली, लेकिन कस्बा शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मैनपुरी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 7 मोस्ट वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी कई सालों से फरार चल रहे थे। अब तक की बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस